हेलो फ्रेंड, मैं कल इंडियन दुकान गई थी तो वहाँ से मैं काफ़ी धनिया लेके आई। कुछ तो मैं चटनी बना के रखूँगी और कुछ स्टोरेज करके रखूँगी, क्योंकि बार बार लॉकडाउन में बाहर तो जाया नहीं जाता। तो ये सोच रही हूँ धनिया ला के मैं इसको कम से कम 1-2 महीने के लिए स्टोरेज करके रखूँ, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। तो ये मैं काफ़ी ढेर सारा धनिया लेके आई, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इस तरीके से रबड़ पे बंधे हुए थे, तो ये रबड़ मैंने निकाल के अलग फेंक दिए और अब मैं इनको ऐसे इस तरीके से निकाल के फिर इकट्ठा करके, ये देखिए जो ये थोड़ा सा मोटी डंडियां हैं, ये मोटी डंडियां हैं, इनको मैं अलग से कट कर दूंगी और अपने लिए और चीज़ के लिए इस्तेमाल कर दूंगी। ये मैंने वेस्ट नहीं करनी, फेंकनी नहीं है। आप भी इसी तरीके से, वैसे तो ये भी बहुत मुलायम है पर ये है कि स्टोर के लिए मुझे सिर्फ हरी पत्तियां चाहिए, तो मैं ये हरी हरी पत्तियाँ रख रही हूँ। और ये मैंने साफ सुथरा छांट के रखा है इसको अच्छी तरह से। जो भी मतलब हल्की सी पीली पत्तियां हैं या थोड़ा सा सूखी हुई पत्तियां हैं, उनको मैंने सारी ये अलग निकाल के और ये बिल्कुल साफ सुथरी रख ली। अब मैं इनको, ये पेपर टॉवल है किचन वाला जो थोड़ा मोटा होता है, ये काफ़ी अच्छा, तो इतना मैं इसको लेके और इसको डिवाइड कर दूंगी। ये हाफ हाफ करके मैं इस तरीके से इसको रख के इस पेपर टॉवल के अंदर इस तरीके से मैं इसको बंद कर दूंगी। ये इस तरीके से मैंने इसको बंद कर दिया और अब मैं जो ये जिपलॉक मिलते हैं, जिपलॉक इसको खोल के और मैं इस तरीके से इसको इसके अंदर ऐसे ये पैक करके रख लूँगी, क्योंकि एयर प्रूफ होते हैं, इसके अंदर हवा बिल्कुल भी नहीं घुसती है। और साथ में ये हमने पेपर के अंदर, पेपर टॉवल के अंदर बंद करके रख लिया है और इसको इस तरीके से बिल्कुल हम हवा को अंदर बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, ये बाहर निकाल दी और अब हम इसका ये होल बंद कर देंगे। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल बंद हो चुका है, लॉक हो चुका है, ये देखिए। और इसको हम अपने फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रख लेंगे और इसी तरीके से मैं इसको भी ये मैंने इसको होल्ड कर दिया है इसके अंदर और ये इस तरीके से और बिल्कुल सूखा हुआ है। वैसे हम एकदम सूखा होना चाहिए, नमी इसमें बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। और फिर हमने ये सेकंड वाला बैग लिया है जिपलॉक का और उसके अंदर हम इसको रख लेंगे। तो मेरी धनिया ये आराम से 2-2.5 महीने स्टोर रहेगी और मुझे बीच में मार्केट जाना भी नहीं पड़ेगा। ये देखिए ये बिल्कुल भी, तो मैं इसको फिर
फ्रिज में रख लूँगी। और मेरे ये दोनों पैकेट 2 महीने के लिए आराम से बिल्कुल ताज़ी हरी, जब भी हम निकालेंगे तो बिल्कुल जैसे ये हरी पत्तियाँ मैंने पैक करके रखी हैं ऐसे ही हमें मिलेंगी। और निकाल के जितनी हमें चाहिए उतनी हम निकाल के और वॉश करके फिर अपनी सब्जी, परांठे, दाल, कोई भी चीज़ हम बनाते हैं उसमें डाल सकते हैं। तो ये मैं आपके साथ मैंने शेयर किया, आप भी ऐसे ही रखिए। और लॉकडाउन में ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने को सेफ रखिए, अपनी फैमिली को सेफ रखिए। नमस्ते।